डैडी डैडी मम्मी ने जो कल हलवा बनाया था वो कैसा लगा? पता नहीं, तो तुम्हारी मम्मी ने साथ दाल चावल भी बनाए थे ना, पता नहीं चला चावल कौन सा था हलवा कौन सा था। तो आपने क्या हलवे पे दाल डाल दी थी? तुम लोगों ने तो खाया था, कैसा था? हमने तो पूरी 2 प्लेट भर के लिया था। अच्छा, इतना अच्छा था? नहीं, हमारी जो बुक्स थी उनके कवर फट गए थे तो हमने सारी चिपका ली उससे। हंसी क्यों आ रही है? खाने की टेबल पे बैठे हंसते नहीं है। लेकिन हम लोग तो कुर्सियों पे बैठे हैं, टेबल पे थोड़ी। टांगे मत हिलाओ ताबिश, क्यों गिर जाती है क्या? मॉम खाने में क्या बना है? बैंगन का भरता। क्या? अच्छा ये तो साइड डिश होगी ना, मेन कोर्स में क्या है? बैंगन का भरता ही बना है, सब कोर्स में यही खाएंगे। क्या यार, तुम्हारे डैडी क्या बैंगन काट करते थे, हर वक्त यही बनाती हो? बैंगन में विटामिन और मिनरल्स का खजाना होता है, इसीलिए तो डॉक्टर ताकत की गोली की जगह बैंगन भी नहीं लिख के देते हैं। क्योंकि बैंगन हम वैसे भी खा सकते हैं। 600 साल पहले बैंगन दरियाफ्त हुए थे और इसकी 770 किस्में होती हैं, इतनी वैरायटीज होती हैं बैंगन की। हाँ, तो आपने कौन सी किस्म बनाई है? ये हर किस्म का पका लेती है, भेजा भी पका लेती है। ओह, चुप कर जाओ तुम सब, खाने की मेज पे बातें नहीं करते हैं। लेकिन मम्मी इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और क्या, एक टिंडे और बैंगन, ये दोनों पसंद ही नहीं है मुझे। उफ, चुप कर जाओ, सारे खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। चलो शाबाश, अब क्या खाने की टोकर देंगी आप हमें? शट अप, एक बात कान खोल कर सुन लो। ये कान खोलते नहीं है, इनमें स्क्रू नहीं है। अगर बैंगन नहीं खाओगे ना तो फिर तुम लोग का खाना बंद, ऊपर जाओ। पर हमें बैंगन अच्छे नहीं लगते मम्मा। अरे बेटा खा लो बैंगन, इतने बुरे भी नहीं होते हैं। इसको एक टांग की मुर्गी भी कहते हैं। मुझे नहीं खानी लंगड़ी मुर्गी। बैंगन खाओ वरना अंदर जाओ। अच्छा वैसे खाना तो पड़ेगा, भूख लगी है। हाँ, क्योंकि भूख में तो हर चीज अच्छी लगती है, चाहे वो बैंगन क्यों ना हो। नताशा, वो मैं समझ गई, आपको अंडा बना दूं? नहीं बड़ी मेहरबानी है, मुझे इंसान ही रहने दो, जादूगर नहीं कहेंगी। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि आप बैंगन नहीं खाते तो आपके लिए ऑमलेट बना देती हूँ। चुप करके बैंगन खाओ। बैंगन पसंद ही नहीं है तो बनाती क्यों है? जब से होश संभाले इस घर में हर वक्त बैंगन में भैंस होती है और हम भूखे सो जाते हैं। जो खाना में खाना होता है वो मम्मी क्यों नहीं बनाती है? दानिश, ओ दानिश, दानिश। जी डैडी। बहरे हो क्या? बहरे? बहरे तो होटल में होते डैडी। ओ बहरा, कान से बहरा, सुनाई नहीं देता? सब साफ सुनाई दे रहा है डैडी। एक आवाज तो क्यों नहीं आ मेरी? एक आवाज? कौन सी आवाज? गधे की आवाज। लेकिन मुझे तो किसी गधे ने आवाज नहीं दी। मैंने खुद आवाज दी। लेकिन आप तो मेरे डैडी हैं। तो मैंने कब कहा मैं तुम्हारा मामू? जाओ अखबार उठा के दो मुझे। ये तो वाकई हमारे घर से 2 स्टॉप दूर गया है। बिला वजह डैडी को गाड़ी में आना पड़ता। कहाँ जा रहे हो? बाहर खेलने जा रहा हूँ डैडी। कोई जरूरत नहीं बाहर खेलने की, अच्छे बच्चे घर से बाहर नहीं खेलते। लेकिन बड़े भी तो बाहर खेलने जाते हैं। कौन बड़े? ये क्रिकेटर्स भी क्या बिगड़े हुए हैं? फजूल बहस मत करो मेरे साथ, जाओ अपना प्ले स्टेशन लाओ, अपने खिलौने लाओ, यहीं पे घर पे अपनी बहन भाइयों के साथ खेलो। ओके डैडी। रुको, खिलौने यही मेरी नजरों के सामने लाओ, यही खेलोगे तुम। फजूल में नजरों के सामने खेलूं? शाम का वक्त है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं अंदर खेलूं? दिस इज नॉट फेयर। जी डैडी। अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाय हाय, अस्पताल में फोन किया है क्या? भली चंगी हूँ, तू बता। मैं ठीक हूँ। ये बताएं दुला भाई कैसे है? वही है, पुराने वाले। मेरा मतलब है वो सऊदीया से आए कि नहीं आए? अरे कहाँ, 5 साल हो गए, इंटरनेट पे ही बात होती है। मैंने सोचा तुझे खबर कर दूँ। आ रही हूँ मैं कराची ईद मनाने। अरे वाह वाह अपा वाह, क्या जबरदस्त खबर सुनाई। अरे आए जी, बिल्कुल आए, बहुत अच्छा कर रही है आप। हाँ तेरे लिए अच्छी खबर है, भावच के लिए तो बुरी खबर होगी। अरे आपा क्या कह रही है, आपका अपना घर है। हाँ हाँ बस आती हूँ। अच्छा चल, अभी पैकिंग शैकिंग बहुत सारी पड़ी है मेरी करने को, और गुड्डू और पप्पू को खाना भी तो देना है। चल बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय शायद। ठीक है आपा, अल्लाह हाफिज़।
पापा लेकिन आपने तो कहा था कि यही खेलूं। अच्छा छोड़ो ये, जाओ जाके अपनी मम्मी को बताओ पप्पू आ रही है, तैयारी कर ले लड़ने की। फजूल बातें मत कराओ, जाओ बताओ जाके। दरअसल ये खुद नहीं बता सकते, डरते हैं ना, क्योंकि फुप्पो का सुन के मम्मी के रिएक्शन देखने वाला होगा। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? आपकी बच्ची गेम खेल रही है। ये तुम हर वक्त टैबलेट पे गेम क्यों खेलती रहती हो? तो डैडी आपने खुद ही तो कहा है कि घर बैठकर खेला करो। हाँ ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम हर वक्त ही गेम खेलती रहो। भाई टैबलेट हाथ में कोई मालूमाती चीजें देखा करो। मैं देखती हूँ ना डैडी, आपको पता है एक रिसर्च के मुताबिक कहा गया है कि वालदैन का सख्त रवैया बच्चों को बागी कर सकता है। हैं? सुनो, ये बच्चों को बड़ों वाली बातें नहीं करनी चाहिए, बच्ची हो बच्चों वाली बातें करो। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? ये तुम क्या फजूल चीजें पढ़ती रहती हो इंटरनेट पर? भाई कोई मालूमाती चीजें पढ़ो, कोई साइंस के बारे में पढ़ो, अपने मुल्क के बारे में पढ़ो, कोई क्विज देखो। मैं देखती हूँ ना डैडी, आपको पता है मुल्क के साल के 365 डेज में से सिर्फ 65 डेज लाइट होती है, और जब बिल आते हैं तो हजारों में। ये बड़ी हो गई तबसरा निगार बनेगी। आपने कुछ कहा डैडी? नहीं नहीं, तुम खेलो अपना गेम खेलो तुम, ठीक है। अरे आइए आइए आइए। किचन में इतनी गर्मी है, मुझे तो लग रहा है मेरा हुसन जल रहा है। और वो जो हंडियां जल रही है उसका क्या? वो मेरे हुसन से जल जाती है। वाह वाह, बड़े शोले निकल रहे हैं आपके चेहरे से। तो एक तो आपको बहस करने की बहुत आदत है। मैं बहस करता हूँ? अरे तुम बहस करती हो, बल्कि तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान बहस करता है? अरे आप खानदान को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं, और वो भी बच्ची के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और हेलो उठो जरा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे अब्रिश? गेम खेलने के बारे बड़ों की बातें सुन रही हो ना, उठो चलो। खबरदार जो तुमने इस तरह की हरकत की तो। वो दानिश ने तुमसे कुछ कहा? क्यों, कुछ कहलवाया था? हाँ वो आपा आ रही है। क्या सलमान, तुम्हारी आपा और पिंपल्स एक दफा आ जाते हैं ना तो फिर जाने का नाम नहीं लेते। अरे क्या हो गया, कुछ दिनों के लिए आ रही है, ईद के लिए बस। वो तो ईद मना लेंगे, हमारी रह जाएगी। ये तुम पहले से क्या क्या सराइयां करती हो? देखो तुम अपनी आपा से कह लेना अपनी जबान पर काबू रखें, ऐसी औरतें कभी भी फायर ब्रिगेड में काम कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनका काम है आग लगाना, आग बुझाना नहीं जानती वो। हाय हाय मारे गए, मुझे पटाखे शबे बरात पे लिए थे ना, वो ईद पे फूटेंगे। ताबिश ये मेरा मास्क है, इधर दो, तुम फाड़ दो ये। नहीं मैं सही भी कर देता हूँ, तुम तो पूरा ऑपरेशन करके वापस करोगे, डॉक्टर बनोगे क्या बड़े हो गए? तो ये डॉक्टर भी पूरा खुल के बंद नहीं करते हैं? नहीं नहीं करते हैं, सिलाई करते हैं, सिलाई सिलाई तो दर्जी भी करता है, तो क्या वो भी डॉक्टर हुआ? नहीं नहीं, डॉक्टर दर्जी का कोर्स करते हैं, जबी तो ऑपरेशन के बाद इतनी अच्छी सिलाई करते हैं। अच्छा तो ईद पे जब दर्जी हमारे कपड़े नहीं सीता तो हम डॉक्टर से क्यों नहीं सिलवाते हैं? क्योंकि हम सिले सिलाई ले सकते हैं। तुमने मुझे बात में लगाकर फिर से मेरा मास्क ले लिया, इधर दो। नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम तोड़ दोगे। नहीं मैं भी शिकायत कर दूंगा। आप ही देखिए ना, दानिश भाई मुझे मार रहे हैं। क्या हुआ? दानिश छोड़ो इसे, वो छोटा है तो तुमसे, तुम गंदे बच्चे हो। जी नहीं, मैं क्लास का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। तुम्हें टीचर ने कहा? नहीं मैंने खुद अंदाजा लगाया। वो कैसे? क्योंकि मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताओ बिल्ली तुम क्यों हिलाती है? क्योंकि तुम बिल्ली को नहीं हिला सकती। अच्छा अगर दुनिया से सारा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो फिर हमें खालिस दूध मिल जाएगा। मेरा मास्क इधर दौड़ने, तो मैं मारूंगा, मार के दिखा, मैं इसे शिकायत कर दूंगा। मम्मी मम्मी क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मम्मी देखिए ना, दानिश दानिश को मार रहा है। दानिश तुम अपने छोटे भाई पे हाथ उठा रहे हो? अभी उठाया था, आपने पकड़ लिया। मम्मी ये ना ताबिश को खेलने नहीं दे रहा था और इसे टॉय छीने जा रहा था। दानिश तुम सुधर जाओ वरना मैं पूरी रात जगाऊंगी तुम्हें। कार्टून दिखाने के लिए? कार्टून को कार्टून नहीं दिखाते, पूरी रात जगाऊंगी, पूरी रात पढ़ाऊंगी, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तेरा वजह इतनी सी बात पे सारी रात पढ़ू, सारी रात जागू? मैं बच्चा हूँ, कोई चौकीदार थोड़ी। अच्छा एक बात तुम तीनों सुन लो, तुम लोग की फुप्पो आने वाली हैं। जिनको मैं चार फ्रेंड बुलाती है। ऐसी बातें उनके सामने मत कहना, और वो गुड्डू पप्पू भी उनके साथ आएंगे, लेकिन खबरदार कि उन दोनों के साथ मिलकर तुम लोगों ने शरारते की, समझे? जी मम्मी हमें समझ आ गई, आप फिक्र ना करें। नताशा नताशा, अरे किरण कैसे
से आना हुआ? दरवाजे से। हाँ तो हम कौन सा खिड़की से आते हैं? अरे वाह बबलू तुम्हें कप मिला है? हमारे घर में भी बहुत सारे कप्स हैं, हम उनमें चाय पीते हैं। बेटा ये कोई चाय का कप नहीं है, मेरे बबलू ने विन किया है, पूरी क्लास में फर्स्ट आया है मेरा बबलू। और ये जो मेडल शेडल देखते हो ना, वो सब बबलू ने बेस्ट स्टूडेंट के तौर पे विन किए हुए हैं। और 3 साल से मेरा बबलू बेस्ट स्टूडेंट का मेडल जीतता आ रहा है। देखो देखो सीखो कुछ, तुम लोग हो निकम्मे के निकम्मे, ऐसे होते हैं पढ़ाकू बच्चे। और तुम लोग खेल कूद से और शोरगुल से फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें। दिल तो चाहता है तुम लोग को बोर्डिंग स्कूल भेज दूं, पता नहीं कब सुधरोगे तुम लोग। चलो किरण हम अंदर चलते हैं बातें करने। चलो डैडी डैडी। अरे और क्या कर रहे हो, पैर छोड़ो मेरा, पकड़ खराब हो जाएगी, हटो हटो। क्यों भाई, अब डैडी को प्यार से निपट नहीं सकते? अच्छा चलो बैठ इधर बैठ इधर नताशा नताशा। अच्छा ये बताएं आप हर रोज ऑफिस क्यों जाते हैं? क्योंकि ऑफिस जाना जरूरी होता है इसलिए। तो फिर घर क्यों आते हैं? क्योंकि घर आना भी जरूरी है। अभी तो आप कह रहे थे कि ऑफिस ज्यादा जरूरी होता है। ताबिश बस चुप, बच्चे इतने सवाल नहीं करते। क्यों बड़ों को जवाब नहीं आता? तुम कितने फजूल बोलते हो। क्योंकि मेरा मुंह लगा हुआ है। डैडी आप आ गए? नहीं चुरंगी में हूँ। आप हमारे लिए चीज लाए है ना? कोई चीज नहीं लाया मैं, और ये बाहर से गंदी चीजें नहीं खाते, बीमार हो जाते हैं बच्चे। बड़े भी तो खाते हैं, वो क्यों नहीं होते? बेटा क्योंकि बड़े जो है ना वो बड़ों की चीजें खाते हैं इसलिए। कोई नहीं, हम 20 रुपए की चीज लेते हैं, उसमें से 15 रुपए की तो मम्मी खा जाती है। क्या? इधर आना जरा, चुगली लगा रही थी मेरी चुगल खोर कहीं की। तो आप भी तो हमारी चुगलियाँ करती है डैडी से, हमें हाँ हाँ मार पड़वाती है बाबा से। ओफ बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी अभ्रिश, देख रहे हैं आप कितनी बदतमीज होते जा रहे हैं ये तीनों। सही कह रही हो तुम, बड़ी जबान चलने लगी इन सबकी, मोहल्ले से भी शिकायतें आ रही है। वो किधर है तीसरा, बुलाओ उसे, किधर है वो? हाँ दानिश दानिश इधर आओ, डैडी बुला रहे। जी डैडी। बाथरो ये कामरान साहब की बिल्ली की तुम तरफ से तुमने बांधी? वो हमने बकरा बकरा खेले थे ना इसलिए। क्या तुम्हें नहीं पता बकरा किसे कहते हैं बिल्ली किसे कहते हैं? सिखाया नहीं है क्या? जी सिखाया था, लेकिन ये थोड़ी सिखाया था कि रस्सी कहाँ बांधते। सब सवाल चलाने लगे, बस आज से इस घर में टीवी देखना बंद। लेकिन डैडी आज मेरा फेवरेट कार्टून शो लगेगा। खबरदार तू कोई टीवी के सामने आया तो क्या टीवी के पीछे से कार्टून देखेंगे? आज से कार्टून बंद, इस घर में कोई कार्टून नहीं देखेगा। ये क्या देख रहे हो तुम, फिल्में देख रहे हो? पता नहीं बच्चे फिल्में नहीं देखते। लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं कार्टून नहीं देखूं आज से। तो इसका क्या मतलब है, तुम फिल्में देखना शुरू कर दो, लड़े मोड़ दो मुझे, उठो यहां से। हर वक्त टीवी चाहिए होता है इन्हें, बच्चे इतना टीवी नहीं देखते, टाइम होता है किसी चीज का। तो अभी कार्टून का टाइम है, मेरा फेवरेट कार्टून आने वाला है। कार्टून देखना है ना तो जाके शीशा देख लो, नजर आ जाएगा। चल निकले यहां से, ना कार्टून देख रहे थे ना कुछ, देखे तो क्या देखे। बड़ा मजे का मुझे मना करके खुद कार्टून देख रहे, तो फिर मैं भी फिल्म ना देखूं। ये क्या हो रहा है, रखो इसी वक्त। कितनी मर्तबा मैंने मना किया है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो तुम। फुप्पो के सामने ये सब हरकतें मत करना, वरना उनको मौका मिल जाएगा बात का बतंगड़ बनाने का। मम्मी मैं तो बस ऐसे। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मेरी ज्वेलरी और मेरे मेकअप को हाथ मत लगाया करो, और बच्चे मेकअप नहीं करते, बंदरिया लग रही हो, बंदरिया पक्के लगते पक्के। लो भाई जब किसी की शादी पर जाना होता है तो मम्मी अपने हाथों से मेरा मेकअप करती है, अपने हाथों से मुझे अपनी ज्वेलरी बनाती है, तब मैं पक्की यहाँ बंदरिया नहीं लगती। डैडी मुंह पे क्या चढ़े आ रहे हो, ऐसे को थोड़ी लाड करता है। तू कैसे करते है? आप सिखा देना। बेटा सीखने सिखाने के लिए और भी चीजें, वो सीख लो तुम। क्या सीखूं, वेल्डिंग सीखूं? पढ़ना लिखना सीखो, इंग्लिश बोलना सीखो। देखा है बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे कैसे फरफर इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें छोटे स्कूल में क्यों डलवाए, हमें भी बड़े स्कूल में डलवाते फिर हम भी फरफर इंग्लिश बोलते। बड़े स्कूल की फीस भी ज्यादा होती है, तुम्हें हम इंग्लिश घर पे सिखा देंगे। आपको इंग्लिश आती है? आती है, क्यों नहीं आती? कितने मजे आती है? आती मतलब हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ भी सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते?
तो फिर अभी उर्दू में अखबार क्यों पढ़ रहे थे, इंग्लिश में क्यों नहीं? ताबिश तुम बहुत फजूल सवाल करते हो यार। एक काम का सवाल करूं? करो। अगर हम लोग पीले रंग के पत्थर को नीले रंग के पानी में फेंके तो क्या होगा? क्या होगा? पत्थर गीला हो जाएगा। यार मुझे अखबार पढ़ने दो यार, जाओ। अच्छा एक और, एक और, एक, एक और। क्या? अगर जिन भूतों को नहाना होता है तो वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? डेड सी जाते हैं। ताबिश अब अगर तुमने एक भी सवाल किया ना, मैं तुम्हें उठा के स्टोर में बंद कर दूंगा। पता है ना वहाँ कितना बड़ा चूहा है? टॉम एंड जेरी वाला? जी नहीं, असली वाला। काटे को ना तो पता चल जाएगा। डैडी एक एक सवाल और, एक सवाल और। किससे? चूहे से? नहीं आपसे। ताबिश बस करो, चुप। आज तुम्हें चीज के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन डैडी। ताबिश चुप कर जाओ, कितना बोलते हो तुम। अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना, मैं बाकी स्टोर में बंद कर दूंगा तुम्हें। भाई ये क्या, जब मैं छोटा था तो बोलते थे कब बोलेगा कब बोलेगा, और मैं बड़ा हो गया हूँ तो बोलते हैं कितना ज्यादा बोलता है। भाई ये क्या बात हुई? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, शाबाश बेटा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत होती है। लेकिन हमने तो हर दफा एक नई सैंडल देखी है। क्या इतना नोट करती हो तुम मुझे? खबरदार जो बड़ों को नोटिस किया इतना, और ये बातें जो है ना अपनी फूफो के सामने मत करना, वरना खाना बंद कर दूंगी तुम्हारा। अब घर में साथ रहते तो नोट तो करूंगी ना, वैसे ही बेटियां मॉम को ही फॉलो करती हैं। इतना मुश्किल है ना बच्चों को हैंडल करना। लेकिन बच्चों में हैंडल कहाँ लगे होते मम्मी? लो पागल, हम कोई मोटरसाइकिल है जो हम पे हैंडल लगे होंगे? तोबा, आजकल के बच्चे। हमारे अब्बा तो इतने सख्त हुआ करते थे। क्यों, सिमट खाते थे? अरे नहीं भाई, सख्ती करते थे, रोब था, दबदबा था, एक आग से घूरते थे और सहम जाते थे हम सब। क्यों, काने थे? चुप करना, आपको क्या हो गया, बच्चों के सामने इस तरह की बातें कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। जैसे तुम बड़ी सेंसिबल, एक नंबर की बेवकूफ औरत। मैं बेवकूफ? मम्मी मैं थक गई हूँ, अब मैं बाइक खेलने जाऊँ? मम्मी मैं भी। कोई कह नहीं जाएगा, यही बैठे रहो। रब्रेश तुम बाहर खेलने मत जाया करो, बुरा लगता है। किसको? बाहर वालों को? हमें बुरा लगता है। हाँ बुरे लोगों को बुरा ही लगता है। मैं बुरा हूँ? मैं बुरा हूँ? एक मिनट, तुम सब अंदर जाओ, तुम्हारे डैडी जरा खुल रहे। कोई कहीं नहीं जाएगा। और अब्रिश जरा देखो ताबिश का होमवर्क हुआ है कि नहीं, हेल्प करो। और दानिश हो गया तुम्हारा या रह गया है? बस थोड़ा सा रह गया। कितना सुस्त है, तो इसकी सेल बदल देना। मैं कोई घड़ी हूँ जो मेरी सेल बदलोगे? बस जो जो अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा उसे हम गाड़ी में घुमाने लेके जाएंगे। हाँ ताबिश, ये तुम गाड़ी में बैठ के ना पूरा शीशा नीचे करते हो, हवा लग जाएगी मुंह पे। लेकिन डैडी हवा से मेरा मुंह थोड़ी ना उड़ जाता है। और लकवा हो जाएगा तुम्हें। ये लकवा क्या होता है? बीमारी होती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है ऐसे। अच्छा आप भी तो शीशा नीचे करके गाड़ी चलाते हैं, आपको क्यों नहीं होता मुंह टेढ़ा? नहीं बेटा इनका मुंह जो बहुत बड़ा है। बिना वजह बड़ा है मेरा मुंह? तुम्हारा मुंह बड़ा है, ब्रश ऑन लगाती हो, ब्रश आते मुंह पे आते धुआं मार जाता है। मेरा मुंह बड़ा? आपका मुंह मुझसे ज्यादा बड़ा है। याद है जब हनीमून के लिए हम दुबई जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे रोककर आपको क्या कहा था कि ये मुंह आप लगेज में देंगे या कैरी करेंगे? तुम चुप करो ना, क्या बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है? और आप तो बच्चों के सामने बड़ी इज्जत अफजाई कर रहे हैं मेरी। अच्छा ऐसा बोलो, बच्चों सुन रही है? नहीं नहीं आप लोग अपनी बातें करें, हमारा तो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, हम तो आपकी बातें नहीं सुन रहे। हाँ हमने तो आपके मुंह वाली बात भी नहीं सुनी थी। ऐसा लगा बातें सर के ऊपर से गुजर गई। तुम लोग सब बहुत होशियार हो, सब समझ आती है तुम लोगों को। उफ, ये बच्चे पालना कितना मुश्किल है, पूरा दिन इनकी रोक टोक में गुजर जाता है। मम्मी हम कहाँ तंग करते हैं, तंग तो आप लोग करते हैं। और क्या, आप लोग ही तो हर वक्त हम पे रोक टोक करते हैं मिलावजे में, और मेहमानों के सामने बेइज्जत करते हैं। इन दोनों के चक्कर में मैं भी फंस जाता हूँ। बस चुप करो तुम सब, बहुत हो गया। तुम लोग पूरे दिन के लिए ग्राउंडेड हो, नो कार्टून, नो हल्ला गुल्ला, नो खेलना। देखा क्या कह के गए तुम्हारे डैडी, आजिज कर दिया तुमने, जीना आराम कर दिया मेरा, पूरा दिन चीखती रहती हूँ मैं। तुम तीनों के जब बच्चे होंगे ना तब मैं पूछूंगी। ये क्या बात हुई, सारे दिन के लिए ग्राउंड कर दिया? लेकिन ग्राउंड में तो क्रिकेट खेलते हैं। नहीं नहीं इसका मतलब है बिना वजह की पाबंदियां लगा कर सजा देना। लेकिन हमने कौन सी कोई गलत बात कर ली मम्मी डैडी से, सही तो बात करी है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम बड़े हो जाए और मम्मी डैडी छोटे, फिर हम उनसे पूछेंगे कि सजा भुगतना कैसा लगता है। पता है जब बच्चे सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं ना
तो उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। चलो हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं। इंतहाई अहम खबर आपको दे रहे हैं कि मुल्क भर में बच्चों की हुकूमत कायम हो चुकी है। तमाम अलाउदों पर बच्चे फायदे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज से तमाम मुल्क की पाक तौर होगी बच्चों के हाथों में। नताशा, नताशा उठो, देखो क्या हो गया। क्या क्या हुआ? फिर से पांचा जला दिया क्या? मैंने इतनी मर्तबा कहा है मैं उठ के इस्त्री कर दूंगी, लेकिन आपसे वेट नहीं होता। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। पूरे मुल्क में बच्चों की हुकूमत कायम होगी। क्या बचकाना बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे देखो ना, सामने टीवी में खुद देखो। क्या? और अभी अभी खबर मिली है कि मुल्क भर से हजारों की तादाद में वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वालिदैन बच्चों पर बिना सख्ती, बिना वजह रोक टोक और तशद्दुद भी करते थे। जी हाँ, बच्चों पर बिना वजह रोक टोक और मारपीट करने वाले वालिदैन हो जाएं होशियार और अपनी जबानों और हाथों पर कंट्रोल रखें, वरना जेल भी जा सकते हैं। ये क्या हो गया? रातों रात का है, पलट गया, ऐसे कैसे हो सकता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया? अच्छा भाई, आप लोग उठ गए। सूरज सर पे आंट टपका है, कभी हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहे हैं और ये दोनों यहाँ सोते रह गए। अब्रिश, तुम ये कैसे बातें कर रही हो? ना 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 ना, अब ये टोन हमारे साथ नहीं चलेगी। अब तो बच्चों की हुकूमत होगी है और माननीय वजीर आजम ने हमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है जो कि अभी टीवी स्क्रीन पे भी चल रहा है। कैसी हेल्पलाइन? जो वालदैन अपने बच्चों पर बेजा सख्ती करते थे, वो बच्चे ये हेल्पलाइन नंबर मिलाते हैं और पुलिस बुलवा सकते हैं। और एक कॉल पे वालदैन अंदर। बेटा मैं तो कुछ नहीं कह रहा आपको। ठीक है ठीक है, अभी आप उठे, मुँह हाथ धोए, ऑफिस के लिए तैयारी करें, चले। मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा ही रहा था। सुनिए, आप बहुत देर से ऑफिस जाते हैं, आपने ऑफिस खरीदा नहीं हुआ कि आप जब मर्जी जाए जब मर्जी आए? ये देर से सोती है ना, मुझे देर से उठाती है, मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे तो ऑफिस नहीं जाना, मैं सो रही हूँ। अभी मैं एक कॉल लगाऊंगी ना जो सीधा वजीर आजम के पास जाएगी। उठे, हमें स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा, हमें नाश्ता कौन देगा? बेटा मैं रोज तो करती हूँ। लेकिन आप बहुत ज्यादा देर लगा देती है, इंतहाई सुस्ती से आप काम करती है और अंडा फ्राई करने में आपको इतनी देर लग जाती है कि अंदर से चूजा निकल आता है। वो सुबह काम नहीं होता ना बेटा, मुझे सुस्ती होती है थोड़ी। अच्छा, एक कॉल लगाती हूँ, ऐसे चुस्ती आएगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। मैं उठ रही हूँ, उठ रही हूँ अभी। एक तो इस घर में हर वक्त ड्रामे चलते रहते हैं, मुसीबत। दानिश, मैं टीवी देख रही थी। ये क्या रखा है? टीवी है। बंद भी तो नजर आ रहे हैं ना? हाँ तो देखे। दानिश, ये ड्रामा मैं बहुत शौक से देखती हूँ, अभी खोलो टीवी। आज से इस घर में फजूल ड्रामे नहीं चलेंगे, सारी घरेलू साजिशें औरतें यहीं से सीखती हैं। तो ड्रामे औरतों के लिए ही बनते हैं? तो मर्दों के लिए क्यों नहीं बनते? हर ड्रामे में औरत को मजलूम दिखाते हैं और मर्द को जालिम, ये तो खुला तजाद है। दानिश, टीवी खोलो इसी वक्त। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर कहाँ है, अभी खोल दे। तुम कोई मैकेनिक नहीं हो टीवी के स्क्रू ड्राइवर से टीवी खोलोगे? अभी खुद तो आपने कहा है कि टीवी खोलो। मेरा मतलब है ऑन करो टीवी, खोल कर उसे बर्बाद नहीं कर दो। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर इन्वेंटर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सर्जन बनते हैं। दानिश, मैं तुमसे कह रही हूँ इसी वक्त टीवी खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो हेल्पलाइन का नंबर क्या था? याद नहीं आ रहा। अच्छा, याद नहीं आ रहा। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैंने वो नंबर मोबाइल में सेव कर लिया है। तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? वही वाला है जिस पर आप रात को फजूल किस्म के दोस्तों से फजूल बातें करती हैं व्हाट्सएप पर। हाँ तो रात को जागने की वजह से सुबह देर से उठती हैं, सुस्ती से काम करती हैं और हमें स्कूल के लिए लेट करवाती हैं, इसलिए हमने आपका मोबाइल रख लिया। तुम होते कौन हो हम पर बिना वजह रोक टोक करने वाले? आपने हम पर कितनी दफा बिना वजह रोक टोक लगाई, हमने कभी पलट कर ये बात बोली? दानिश, मैं तुमसे कह रही हूँ मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूंगी। एक फोन करूंगा, पुलिस वाले थाने में बंद कर देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो वैसे ही किचन में जा रही थी खाना बनाने के लिए। तुम्हें टीवी पे जो भी कार्टून देखना ना तुम देख लो। अब तो मेरा जो दिल चाहेगा वही देखूंगा।
आए मेरा लाल मेरा पीलो। पीछे पीछे ये क्या हो रहा है? बेटा प्यार कर रहा हूँ, लाड कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं आपको प्यार लाड करने आता था तो आप तो मुझे पीछे तक खेलते थे। वो क्या, आप मुझे कोई लाड प्यार नहीं करते, आप मुझे सीधा सीधा मक्खन लगा रहे हैं। तुमको डबल रोटी थोड़ी जो तुम्हें मक्खन लगाऊंगा। अच्छा, एक सवाल करूं? पूछ लो, अब तो जवाब देना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, अगर एक बटर को गैलवी से फेंका जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? बटरफ्लाई। अच्छा, एक और परिंदे सौर की तरफ उड़ के क्यों जाते हैं? पता नहीं, क्योंकि पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है ना, इसलिए। वेरी इंटेलिजेंट तुम बहुत काबिल बनोगे, एक दिन मेरा सर बहुत ऊंचा करोगे तुम। वो तो मैंने 2 दिन पहले ही कर लिया था। कैसे? आपके सर के नीचे जो तकिए रखे हैं। अच्छा, रिमोट तो दो। हाँ, दुकान पे मिल जाएगा। नहीं, वो वाला नहीं, ये जो तुम्हारे हाथ में, मुझे खबरनामा देखना प्लीज। आज के बाद इस घर में कोई न्यूज चैनल नहीं, कोई टॉक शो नहीं। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, आज के बाद सिर्फ कार्टून चैनल चलेंगे। हमारी असेंबली ने बिल पास किया है। बिल? कैसा बिल? यही कि तमाम न्यूज चैनल बंद किए जाएंगे और कार्टून चैनल दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो बहुत टेंशन फैलाते हैं। है? अब आप यहाँ से चले जाएं, मेरा फेवरेट कार्टून शो आ रहा है। मैं सीसा रन निकाल दिया। बैंगन का भरता। फिर बैंगन? मेरा ख्याल है बैंगन खा के मेरी शक्ल भी बैंगन की तरह हो जाएगी। अरे नहीं, मैंने इंटरनेट से नई रेसिपी देखी है, चटखारा बैंगन, तुम लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपकी हर चीज बैंगन से क्यों बनी होती है? बैंगन चिकन, बैंगन बिरयानी, बैंगन पालक, आलू मटर बैंगन, और उस दिन आपने बैंगन का हलवा बनाया था। हाँ हाँ, क्योंकि बैंगन के इतने सारे फायदे हैं ना। अब तुम सोचो, बैंगन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों को रोकता है, ब्लड के शुगर को कंट्रोल करता है, वजन कम करता है, और तो और कैंसर से भी बचाता है। मुझे बैंगन पे किताब नहीं लिखनी, बैंगन के फायदे अपनी जगह, लेकिन इतने बैंगन भी मत पकाएं कि हमारे घर के बाहर सब्जी खाने वालों का रश लग जाए। हाँ तो फिर मैं क्या पकाऊं तुम लोगों के लिए? आप हमेशा अपनी पसंद की चीजें बनाती है, हमारी पसंद की तो आपने कभी बनाई नहीं है ना। तो मुझे बताओ ना, क्या पसंद है तुम्हें? ये ले लिस्ट, आज के बाद किचन में यही बनेगा। क्या? दिस? अब बर्गर, चिप्स, रोल्स, जूसेस, शेक्स, आइसक्रीम, चिकन पराठा, चीज सैंडविचेस, पास्ता। खुदा का वास्ता बेटा, ये तो बहुत एक्सपेंसिव डिशेस हैं और सारी फास्ट फूड हैं। तो जाए कोर्स करे, अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सीखे, दाखला ले, हम बोर हो गए बैंगन खा के। अबरिश, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही बेटा? आजकल तो बच्चों की हुकूमत है, सारे महकमे बच्चों के हाथ में है। सारे महकमे बच्चे चला रहे हैं? हाँ, जैसे बिजली का महकमा। हाँ, इसी वजह से लाइट ज्यादा जा रही है। हाँ तो बच्चे खेल खेल में लाइट बंद कर देते हैं ना, वैसे भी बच्चे हैं और क्या करें। और क्या क्या चला रहे बच्चे? अब तो पूरा मुल्क ही बच्चे चला रहे हैं, और तो और सारी वजारतें भी बच्चों के पास है। वजीर सकाफत ने इतना अच्छा इकदाम किया है कि ना पूछे। मैं तो पूछूंगी, और क्या कर दिया है? सबसे पहले तो उन्होंने औरतों के ड्रामे खत्म कर दिए। क्या, ड्रामे बंद हो गए? नहीं 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 नहीं, और ये टेलीफिल्म जैसी फीचर फिल्म्स पे भी पाबंदी लगा दी है। अब वो तो ठीक है, वैसे भी समझ तो आता नहीं था कि फिल्म देख रहे हैं या लॉन्ग प्ले। अच्छा अच्छा, मुझे बातों में ना लगाएं। अभी की अभी ये सारी डिशेस बनाएं, इससे पहले मैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मिला दूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइट लेफ्ट राइट शो। आज हमारे साथ मौजूद है जवेरिया, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ वालदैन के हाथों बच्चों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, और वालदैन को पता ही नहीं कि बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। रिसर्च कहती है कि बच्चों की हौसला अफजाई ज्यादा करें, इन पे क्रिटिसाइज कम करें। हमारे माशरे में उल्टा होता है,
यहाँ वालदैन बच्चों पे क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई कम करते हैं। एग्जैक्टली बच्चों के एक्शन रिएक्शन के जिम्मेदार इनके वालदैन होते हैं, जो कि वो मेंटली तौर पर बच्चों की जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते। दिस इज लैक ऑफ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर, उसके बाद हाजिर होंगे। डैडी आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मगरिब होने वाली है, मगरिब के बाद घर से नहीं निकलते। वो तो सूरज नहीं निकल सकता, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो निकल सकता हूँ। लेकिन डैडी आप तो हमें मना करते थे, बाहर जाने ही नहीं देते थे, कहते थे कि बिगड़ जाओगे। मुझे जरा अपने दोस्त का नंबर तो दे जिसके पास आप जा रहे हैं। क्यों, तुम उसे पकड़वाओगे? नहीं, मैं तो बस पता करूंगा कि ये बिगड़ा हुआ तो नहीं है कहीं। मेरे ख्याल में जाता ही नहीं। इसका मतलब है कि वो बिगड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, मेरा जाना जरूरी नहीं है, तो सी दिल हल्का करने जा रहा था बस। क्यों, दिल पे ईंटें बांध ली क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब गपशप लगाने जा रहा था। डैडी अब कभी हमें भी तो टाइम दिया करें, रोज भर दोस्तों में ही निकल जाते हैं। आज के बाद हम नहीं जाएंगे, हम जानते हैं कि आप जरूर अपने दोस्तों के साथ हमारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। ऐसे कैसे, दोनों को पकड़वा देंगे। हाँ, वजीर आजम ने सख्ती से हिदायत की थी कि साजिशी अनासिर की निशानदेही करें और इनाम भी मिलेगा। नहीं 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 नहीं, 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 मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठ रहा हूँ तुम लोगों के साथ। हाँ हाँ हाँ, यहीं बैठ के टॉक शो देखते। अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए ताकि आपको पता चले आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं। नहीं मम्मी, आपकी मोहल्ले से शिकायत आई है कि आप दूसरों के घरों के सामने अपना कूड़ा डाल रही हैं। ये जरूर रक्षे की लगाई हुई आग होगी। मम्मी बहुत गलत बात है, बिना अपने कान सुने आप किसी और पे इल्जाम लगा रही है। और मम्मी आप झाड़ू देते वक्त सारा कूड़ा बराबर वालों की तरफ क्यों कर देती हैं? जब आप गैलरी में कपड़े धोती हैं तो फिर आप नाली क्यों बंद कर देती हैं? सारा पानी गली में खड़ा हो जाता है, नमाजियों को गुजरने में मुश्किल होती है। जब घर में कपड़े धुलेंगे तो हमारे नाली में पानी जाएगा और गटर तो भरेगा ना। अच्छा, अपने फायदे की वजह से आप दूसरों का नुकसान करेंगी। और डैडी, आपके ऑफिस से फोन आया था कि आपके डैड हर वक्त ऑफिस में सोते रहते हैं। ये रात को देर तक लाइट खुली रहती है, ये मॉर्निंग शो रिपीट में देख रही होती है। अरे तो मैं क्या करूँ, 8 बजे रात को लाइट नहीं होती तो रिपीट में नहीं देखेगा इंसान, तो क्या करेगा? क्या हो गया हमारी औरतों को, सुबह उठा नहीं जाता और रात को रिपीट में मॉर्निंग शो देखती रहती है जाग जाग कर। तो मॉर्निंग शो भी तो देखो, शादी बिया नाच गाना मेहंदी मेकअप फैशन शो, इसके अलावा होते ही क्या है उनमें। ये नहीं कि सुबह उठी कोई इस्लामिक शो दिखाए, दिन का आगाज तिलावत कुरान से करे। आते तो है इस्लामिक शो लेकिन सिर्फ रमजान में मुसलमान होते सब। नताशा तुमने ये मॉर्निंग शो देखना छोड़ दो सैरी के, तो फिर जिम्मेदारियाँ होती है ना, रात को सोया करो, सुबह तुम्हें बच्चों को तैयार करना होता है, मुझे ऑफिस भेजना होता है, लेकिन तुम तो झूमती हुई उठती हो जैसे सपेरा बैंड बजा रहा हूँ। क्या मतलब है आप बातों बातों मुझे नागिन बोल रहे हैं? तुम्हें पता है कराची में 2 इलाके ना बीवियों के नाम पे रखे गए? कौन से? नागिन चौरंगी भैंस कॉलोनी। एक मिनट मम्मी डैडी, जब हम लोग चले गए फिर आप लोग लड़ते रहना। बच्चों के दिमाग पे बुरा असर पड़ता है माँ बाप के लड़ने से। और मैं तो लड़की हूँ ना, मैं तो यही समझू कि शोरों से इसी तरह बात की जाती है। जी कोई काम है? हाँ वो मैं देखने आई थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। हम तो बम बना रहे हैं, फिर अभी बेडरूम में फोड़ेंगे। अरे भाई बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। मम्मी हमारे मेहमान आए हैं, कोई अच्छी सी पोएम्स सुनाएं। क्या पोएम मैं सुनाऊं? जी जी आप ही हो गए ने, पोएम सुनाए ना कोई अच्छी सी। लेकिन मुझे तो कोई पोएम नहीं आती। आपको पोएम सुनानी पड़ेगी, मेहमानों के सामने मना नहीं करते। अभ्रिश मुझे फोर्स तो ना करो, मेरा मूड नहीं है अभी। हाँ। जब आपके मेहमान आते थे तो आप हमें ऐसा जबरदस्ती क्यों कराती थी, हमारा भी मूड नहीं होता था। खुद को कोई अच्छी पोएम आती नहीं है, हमसे कहती है सही से पढ़ो। भाई पोएम्स तो मेरी मम्मी को भी याद नहीं है, इनफैक्ट उनकी तो इंग्लिश भी बहुत कमजोर है, बस सेहत अच्छी है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तुम लोगों को कुछ चाहिए? फ्रेश जूस और फ्राइज, और उधार के वास्ते बैंगन का जूस मत बना लेना, मैं ना ये सारे बैंगन उठा के ना किसी गरीब के घर दे दूंगी, एटलीस्ट बेचारे के घर कुछ ना कुछ तो पकेगा ना। अच्छा ठीक है। बैंगन।
अरे बबलू बेटा है, कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? हम वैसे ही पुराने। डैडी आपको पता नहीं है कि बच्चों की बातों में नहीं बैठते? ये बैठ जाते हैं और हमारी सारी बातें सुनते हैं। हाँ तो ठीक है बैठ जाएं, लेकिन हमारी बातों में इंटरप्ट ना करें। और सुनाओ बबलू, तुम्हारे डैडी की जॉब कैसी चल रही है? भाई आजकल तो तरक्की हो गई है, नई गाड़ी मिली होने, हमारे तो मजे हैं। सीखे कुछ इनके डैडी से, देखे कैसे तरक्की करे। बस एक आप ही हैं जो एक ही सीट पे बैठे हुए हैं बरसों से। क्यों, इनके ऑफिस में क्या कुर्सियां खत्म हो गई हैं? नहीं नहीं, कुर्सियां तो बहुत है, लेकिन उनमें आगे बढ़ने का कोई एम्बिशन ही नहीं है। बस एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। इतने साल हो गए इनका ऑफिस असिस्टेंट बने हुए, लेकिन कभी तरक्की करने का सोचा ही नहीं। इनके साथ के सारे दोस्त आगे निकल गए, बस यही एक पीछे। बेटा वो सारे लोग जो है वो बॉस के नलू चप्पू करते हैं, आगे पीछे घूमते, मैं ऐसा नहीं करता। गलत, आप ये क्यों नहीं बोलते, आप में इतनी काबिलियत ही नहीं है। हाँ बबलू, तुम तो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते हो ना, मेडल्स और कप्स वगैरह जीतते हो, तो मेरे डैडी को थोड़ी एडवाइस तो दे कि इनको क्या करना चाहिए, कहाँ एडमिशन देना चाहिए। भाई आजकल तो आईटी का दौर है, अगर ये जदीद कोर्सेज कर ले तो इनको दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, मेरे डैड से भी ज्यादा मिलेगी अगर ये सैप कर ले तो। ये सैप क्या है, सांप और पतंग? नहीं नहीं। तो क्या सिवैया और पीनी? नहीं नहीं, ऐसे भी का मतलब है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। सुन लिया आपने डैड, अब आप जल्दी से कहीं पे कोर्स करवाए, कहीं अच्छी जगह दाखिला ले, सैप करे और फिर जल्दी से किसी अच्छी जगह पे अप्लाई कर ले, ताकि हमारे आने वाला फ्यूचर सेफ हो जाए। हाँ हाँ, मैं पता करता हूँ, मैं पता करता हूँ। क्या हो रहा है भाई, ऐसे लग रहा है ये मेरे माँ बाप है और मैं इनका बच्चा हूँ। ओ यार, किसने उल्टी फिल्म चला दी भाई? बच्चों की हुकूमत कायम हो चुकी है, मगरिब होने वाली है, मगरिब के बाद घर से नहीं निकलते। एक कॉल पे वालदैन अंदर। ओह माय गॉड, कितना भयानक ख्वाब देखा मैंने। क्या, एक मिनट, कैसा ख्वाब? एक पूरे मुल्क में बच्चों की हुकूमत कायम हो गई है, सारी पावर्स उनके पास है और वो हम पे हुक्म चला रहे हैं। ओह माय गॉड सलमान, मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही ख्वाब देखा, बिल्कुल यही ख्वाब देखा मैंने। तुमने मुझे लीड ली हुई थी क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कुदरत हमें ये इशारा कर रही है कि हम अपने बच्चों में बेजा सख्तियां करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आई थिंक हम बैड पेरेंटिंग कर रहे हैं। पता है ख्वाब में भी वो हमें यही समझा रहे थे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हाँ मैंने भी यही देखा, वो हमें उन्हीं चीजों के बारे में पॉइंट आउट कर रहे थे जो चीजें हम उनको पॉइंट आउट करके बताते हैं, सारी वही गलतियां बता रहे थे जो हम उन्हें कहते हैं। मेरा ख्याल है हमें उन्हें सॉरी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ओ माय गॉड सलमान, मुझे बिल्कुल एहसास हो रहा है कि हमारी कितनी कोताहियां हैं, कितने गलत थे हम। ठीक है हम सब ठीक कर देंगे, कोई बात, चल के बात करते हैं बच्चों से। हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। वी लव यू मम्मी, वी लव यू डैडी। सियाने कहते हैं कि अगर सुबह का बोला शाम को घर वापस आए तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। हमें भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया बच्चों, लेकिन तुम लोगों को भी एक प्रॉमिस करना है कि अपने बड़ों की इज्जत करोगे और पेरेंट्स से जबान नहीं चलाओगे। वी प्रॉमिस। और हाँ, तुम्हारी पुप्पो भी आ रही है, उनकी भी इज्जत करनी है। और मम्मी मेरी बात अलग है ना बेटा, अच्छी नंद और मीठा खरबूजा तो किस्मत वालों को मिलता है। अरे आपा का फोन। आपा का फोन आपके पास क्या कर रहा है? फोन आ रहा है उनका। बड़ी लंबी उम्र है उनकी। इसका मतलब है इतने साल मजीद झेलना पड़ेगा उन्हें। जी आपा, सलाम अलैकुम। अरे आपा के बच्चे फोन क्यों नहीं उठा रहा था तुहे? हम ट्रेन में बैठे हैं, एक घंटे में पहुंच जाएंगे। सुन तू जल्दी से कैंट स्टेशन पहुंच जा, जल्दी कर, खुदा हाफिज़। ओके पहुंच गया मैं। क्या हुआ, नाजिल हो गई? हाँ हाँ, बस एक घंटे में पहुंच रही है, मैं जा रहा हूँ उन्हें लेने स्टेशन। ठीक है तैयार हो जाओ, 20 रुपए ईदी देने वाली पप्पो आने वाली है। क्या मुसीबत है, हमारी ईद खराब करने के लिए आ रही है। क्यों, वो ईद के कपड़ों पे पानी डाल देंगी। मम्मी आप पप्पो से इतना चिढ़ती क्यों हैं? बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि नंद सबसे बड़ा गंध होता है या नहीं। ये नंद क्या होता है? अब्बू की बहन को कहते हैं। लेकिन उनको तो पप्पो कहते हैं। अरे वो तो हम कहते हैं ना।
तुम्हें पता है फूफो के साथ उनके बच्चे भी आएंगे, बहुत मजा आने वाले। अरे वाह, हम तो खूब शोर शराबा करेंगे ईद के दिन। यस, बहुत मजा आएगा। आजा आजा भाई, मामू का घर है, इधर उधर क्या देख रहे, बुरी बात है, चल चल आगे चल आगे चल। अरे यार मेरा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन तू इतना पतला क्यों हो गया? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो बारे में से किसी ने हवाई निकाल दियो। बेगम तुझे खाने वाने को भी दे रही है कि नहीं? सही से देती है ना, सुबह शाम बैंगन खिलाती है। हाय मैं मर गई, नाश्ते में भी तो कहीं चाय में बैंगन डुबो के नहीं खिला देती। अरे नहीं नहीं आपा, ये मजाक कर रहे हैं, सब कुछ बनता है हमारे घर में। वो मैं ये कह रही थी कि कहीं मेरे लिए भी खाने में बैंगन तो नहीं बना दिए भैया, मैं बैंगन नहीं खाती। अरे आपा, आपके लिए मैंने बिरयानी पकवाई है मसालेदार। हाय मेरा भाई, जीता रहे तू जीता रहे, तो बस जल्दी से नताशा खाना लगवा दो, बच्चे भी भूखे हैं। रोजा नहीं है? हाँ है। नहीं भाई हम तो सफर में थे ना, रोजा कहाँ से रखते। हाँ चल कोई बात नहीं, चलो भी खाना लगवाओ जल्दी से। अरे नहीं नहीं इतनी क्या जल्दी है, इंसान तो 3 हफ्ते तक खाए बगैर रह सकता है। भाई अल्लाह भैया, ये तो मुझे 3 हफ्ते तक खाने को ही नहीं देगी क्या? नहीं 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 मजाक कर रही है। अच्छा वो मैं लेकर आती हूँ आश्रय के लिए, ठहरे। ये तो हमें आश्रय पे डाल रही है। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा, आप आए ना आराम से, अंदर आराम से बात करते। हाँ भाई गुड्डू पप्पू, हैं ये बोलते नहीं है? अरे फर 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 बोलते, चलो बेटा बोल के बताओ, फर 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 फर। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो, भाई हैं तुम लोगों के? दानिश ताविश भाई हैं तुम्हारे, चलो बातें करो इनसे। पप्पू तुम्हें पोयम आती है? हाँ आती है। सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आती है? हाँ बेटा शर्माओ नहीं, सुनाओ ना। Twinkle, twinkle, little star. चलो। असल में भैया ये लोग है ना उर्दू मीडियम में पढ़े, तो इनको ना ट्विंकल ट्विंकल उर्दू में आती है। चलो गुड्डू पप्पू सुना दो उर्दू में। ठंडे ठंडे आम का अचार, खाके चपाती मारो डकार। आप मुझे लगता है बच्चे थक गए। क्यों थक गए? ये कौन सा फीते से नापते हुए आए हैं रास्ता जो थक गए? नहीं सफर लंबा है ना तो थक जाते। लो भाई तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रास्ते भर पूरी ट्रेन वालों को एक एक ग्लास पानी दिया है इन्होंने। अरे आप थके हुए लग रहे हैं बच्चे, कोई नहीं। अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, पूरे रास्ते सोते हुए आए। चलो गुड्डू पप्पू लेट जाओ आराम करो। शाबाश। असल में मेरे बच्चे ना बहुत ही फरमाबरदार और ताबेदार हैं, जो मैं कहती हूँ वो ही मानते, देखना जरा। चलो बेटा शाबाश उठ जाओ। है ये तो रोबोट है और फप्पू इनका रिमोट है। है भैया ये तुम्हारे बच्चे किस किस्म की बातें करते हैं, भावज ने यही सिखाया है क्या? और चलो तुम लोग बाहर आ जाओ, बस भाई है तुम लोगों के, जाओ इनको लेके जाओ खेलो इनके साथ। चलो तीनों जाओ जाओ शाबाश शाबाश जाओ। हाय देखो ना भैया ईद का चांद नजर आ गया, कल ईद है, मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। है चल के बच्चों के कपड़े इस्त्री कर ले कल के लिए। वो असल में इस बार ना तुम्हारे दूल्हा भाई का हाथ तंग है। हाँ तो काट दे। अरे हाथ तंग है मतलब इस बार उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे भेजते, इसीलिए तो मैं अपने प्यारे भैया के पास आ गई कराची ईद मनाने के लिए। मैंने सोचा मेरा भाई है, अल्लाह उसे जिंदगी दे, वो सब कुछ कर देगा हमारे लिए। हैं? हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम्हें पता है ना ईद पे कितने खर्चे होते, हमारे पास कोई पैसों का दरख नहीं लगा हुआ कि सबको कपड़े दिलवाते फिरे। देख रहे हो भैया तुम्हारी बहन की खुशियां इससे बर्दाश्त नहीं होती, ये भी नहीं सोचा कि बेचारे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे पुराने कपड़े पहनेंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बेचारी माँ उनको पुराने ही कपड़े इस्त्री करा के पहना दूंगी। नहीं नहीं आपा ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे पुराने कपड़े क्यों पहनेंगे, हैं अभी चलते हैं सबको कपड़े लेके देते हैं, भाई अपने बच्चों के कपड़े भी तो दिलवाने हैं ना। मैं नहीं जाने वाली इनके साथ। हाँ तुम अपनी जेब खाली करके आ जाओ, इनके कपड़े दिलवा कर हमें लुंडे से सस्ते कपड़े दिलवा देना। देख रहे हो भैया तुम्हारी बीवी की जबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। अब आप खामोश हो जाए ना आप भी, देखिए कल ईद का त्यौहार है, बस ये जो ईद के 3 दिन है थोड़ा कंट्रोल रखे ना खुद पे। क्यों चौथे दिन क्या हो जाएगा भाई, आप अपने घर चली जाएंगी ना। लो भाई किसने कह दिया कि मैं घर वापस चली जाऊंगी ईद के चौथे दिन। क्या क्या मतलब, हम तो यही समझ रहे थे। बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ समझने की जरूरत है। अच्छा मैं अपने भाई के घर आ गई हूँ और अब परमानेंटली कराची में ही रहूंगी, मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। क्या अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
ईद मुबारक आपा। भैया ईद मुबारक, जीते रहो जीते रहो, खैर मुबारक। गुड्डू पप्पू जल्दी से आओ, देखो मामू जान आ गए, ईद मिलो ईद मिलो। अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो चोट। अरे ईद मिल रहे तुमसे। अच्छा अच्छा, ईद मुबारक ईद मुबारक। अम्मा ईद मुबारक, ईद मुबारक। नहीं छोड़ना नहीं, ईद मिलो। For God's sake, संगमान 10-20 रुपए देकर जान छुड़ाओ अपनी। हाय हाय कंजूस मक्खी जूस, मेरे बच्चों को 20-25 रुपए देगी, देख लेना फिर। मैं भी ना तुम्हारे बच्चों को 5-5 रुपए पकड़ाऊंगी हाथ में। पोपो, इस ईद पे तो आपने हमारा रेट ही गिरा दिया। हाँ पिछली ईद पे भी हमें खाली 20-20 रुपए दिए थे। नहीं 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 नहीं, ये रुको रुको रुको, ये देखो, ये लो आपकी ईदी, ये लो आपकी ईदी, ठीक है। अम्मा आप जाए। नहीं नहीं, हाँ सलमान क्या कर रहे हो, इतनी दूर से हम कराची तुमसे ईद मिलने आ गए और तुम मेरे बच्चों को 100-100 रुपए पकड़ा रहे हो। डैडी ज्यादा दे दे ताकि हमारा भी ज्यादा ईदी का चांस बने। नहीं बेटा, यहाँ से ज्यादा ईदी की तवक्को मत करना। पिछली दफा 20 रुपए मिले थे, इस बार 25 से ज्यादा नहीं मिलने वाले। नहीं नहीं, नहीं ये देखो, ये लो बच्चो, ये आपकी और ईदी और ये ईदी। अम्मा अब जाए। बेटा खैर मुबारक कह के बाहर चले जाओ, जाओ शाबाश। खैर मुबारक, खैर मुबारक। चलो बच्चों शाबाश, फुफो से लिपट जाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे ईद के कपड़े खराब हो जाएंगे, पीछे रहो। तो हमारे डैडी के स्कूल के यूनिफॉर्म में थे। फुफो जल्दी से ईदी दे दे, मुझे भी खैर मुबारक कहने हैं। फुफो सोच ले, डैडी ने 150 रुपए दिए। बेटा हम तो गरीब लोग हैं ना। नहीं नहीं सिर्फ गरीब नहीं, अजीब और गरीब है। देख रहा है, देख रहा है तू, तेरी बीवी ना ईद के दिन में तानों से बाज नहीं आ रही। अरे ये अब आप अपनी जेब देख के दे देना ही दी। क्यों, मैंने कोई मर्दाना कुर्ता पहना है जो जेबें ढूंढ लूं? जितने हैं उतने दे दूंगी। गुड्डू पप्पू आना जरा बेटा, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। कितनी ईदी दी है मामू ने, लाओ मुझे दे दो। अम्मा अब हम उनसे भी ईदी लेंगे। क्यों तुम्हें याद नहीं है पिछली ईद पे भी अम्मा ने हमारी सारी ईदी ले ली थी? अरे चुप करो, वो तो मैंने ना तुम लोगों की पढ़ाई के लिए सेव करके रखे हैं अपने पास। चलो दे दो शाबाश सारे पैसे, लो। आ जाओ आ जाओ बच्चों, तुम लोगों को ईदी दो। ये 50 रुपए तुम रखो और ये 100 रुपए आपस में बांट लेना, ठीक है? बस 50 रुपए? क्यों कम है? नहीं आपके लिहाज से ज्यादा है, हमारे लिहाज से कम है, लेकिन ले लेते हैं। खैर मुबारक। हाँ देख रहे हो सलमान, ये तुम्हारे बच्चे ना तुम्हारी बीवी की जबान बोलते हैं सारी। नहीं नहीं आपा ये छोड़े ना आप यार, ईद का दिन है, कुछ खीर कोरमा से भैया क्या पकाया बताओ, लाओ। हाँ हाँ मैंने बैंगन का हलवा बनाया, बैंगन भरी कचोरिया, चिकन और बैंगन का सालन और कीमा। शुक्र कीमा तो है। हाँ उसमें भी थोड़े से बैंगन डाले। सलमान तुम क्या पार्ट टाइम ठेला लगाते हो, ये इतने सारे बैगन इसके पास आते कहाँ से हैं? गुड्डू ये तुम्हारी शर्ट पे क्या लटक रहा है? अरे ये तो टैग है। ओपो, इसकी शर्ट से टैग तो हटा दे। अरे नहीं नहीं क्या हो गया तुम्हें, मेरे भाई ने मेरे बच्चों को ऐसे ब्रांडेड कुर्ते दिला के दिए, अभी तो मैं गुड्डू पप्पू के अब्बू को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी सारे कपड़े। हाँ आप अभी क्या बात करेंगी, छोड़े अभी कुछ खाते पीते है ना। अबू आप कचौड़ियाँ ला देना हमें बाजार से और चिप्स भी। अरे मैंने इतने मजे की बैंगन भरी कचौड़ियाँ बनाएंगे, कौन खाएगा वो? मम्मी ईद के दिन भी बैंगन ही बैंगन की चीजें, लगता है सारे मुल्क से हम ही खत्म करेंगे बैंगन खा खा के। दानिश ताबिश अबरिश जाओ तुम लोग जाके कार्टून देखो और ये गुड्डू और पप्पू को भी साथ लेके जाओ। क्यों ये क्या कार्टून है? अरे अब जैसे भी है ना तुम लोगों के भाई है, जाओ लेके जाओ बाहर, जाओ बच्चे जाओ खेलो जाके। चील उड़ी कौवा उड़ा जहाज उड़ा बम उड़ा। गलत गलत, बम नहीं उड़ता, बम तो फटता है। तो तुमने उंगली क्यों उठाई? ये बड़ा होके एम्पायर बनेगा इसलिए। मैं तो बड़ा होके पायलट बनूंगा और मैं ना मरीज बनूंगा, डॉक्टर की खिदमत करूंगा। अरे बुद्धू उल्टा बोल रहे हो, डॉक्टर बन के मरीज की खिदमत करोगे? अच्छा भैया फैसलाबाद में ईद कितने मनाई जाती है? लो पागल, फैसलाबाद पाकिस्तान से बाहर थोड़ी है, जैसे यहाँ पे मनाते हैं वैसे ही वहाँ पे मनाते हैं। अच्छा तो वहाँ पे भी लोग अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर लेके आते हैं ताकि ढेर सारी ईदी मिले? हमारे यहाँ ना ईद पे हलवे बनते हैं, नल्ली निहारी बनती है मगर फ्राई बनता है,
हम तो खूब दबा के खाते हैं। क्या दबाते हो, हलवा या मगज? मुझे समझ नहीं आती है पंजाब के लोग तक खाते क्यों हैं? उनके पेट बड़े बड़े होते ना, इसलिए। नहीं नहीं, वो तो खा खा के बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े भैंसे हो जाते हैं। हाँ, और जैसे सब पेट भर के खाते हैं, हमारे यहाँ प्लेट भर भर के खाते हैं। उनको हैजा नहीं होता? ये हैजा क्या होता है? अभी पप्पू बताएगा, डॉक्टर बनेगा ना बड़े होके। अरे हम डॉक्टर डॉक्टर खेले। हाँ तुम डॉक्टर बनो, हम तीनों मरीज बनेंगे। ठीक है गुड्डू भाई, तुम मेरे पाउडर बनोगे। चलो ठीक है, और एक एक करके समाना ताबिश पहले। भाई क्या तकलीफ है? नहीं आपको क्या तकलीफ है? हैं? अरे आपको क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब जब मैं नहाता हूँ ना तो मैं गीला हो जाता हूँ। डोनल्ड बंद करके नहाया करो नेक्स्ट। डॉक्टर साहब मुझे गैस हो गई है। ये गैस का दफ्तर नहीं है, आप गलत जगह है। अरे नहीं, मेरे पेट में गैस हो गई है। तो गैस का चूरा खरीद रहे नेक्स्ट। मेरी ये गुजारिश है, ना धूप है ना बारिश है, पूरे बदन पे खारिश है, मुझको बुहार है, बुहार 104 है। इंजेक्शन तैयार है, कंपाउंडर भी बाहर है। जी फरमाइए, आपको इंजेक्शन लगेगा? जी मुझे लगेगा। आपको घोड़े का इंजेक्शन लगेगा? तो घोड़े को क्या लगेगा? आप समझी नहीं, ये जानवरों के डॉक्टर है। है ये जानवरों के डॉक्टर है, तभी तो इनकी शक्ल किसी जानवर से मिलती है। भाई मैं नहीं खेल रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। तुम्हारा मजाक जोड़ रहा है इसलिए। हमें बोरियत हो रही है तुम्हारे साथ खेल के। तुम लोग घर कब जाओगे? पता नहीं, वो तो अम्मा को पता है, हम शायद रुके। दुबई मेरी नींद आ रही है, मैं अम्मा से पूछ लूं सो या नहीं। ठहर जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। शुक्र है चले गए, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं मजा आया। रोबोट बच्चे और इनकी रिमोट अम्मा, जहर लग रहे मुझे ये लोग। मुझे भी ये लोग अच्छे नहीं लगते। आप ही कुछ ऐसा करते हैं कि ये लोग खुद ही भाग जाए। पप्पू वो गुड्डू पप्पू सो गए क्या? नहीं नहीं, कहाँ गुड्डू पप्पू सो गए। उठो उठो, देखो कौन आया है, देखो तो आग रहे हैं। दरअसल हम बाहर खेलने जा रहे थे, इन लोग को लेने आए थे। नहीं नहीं बेटा, ये तो सो रहे हैं ना। वो एक्चुअली पप्पू हम पार्क जा रहे थे, वहाँ झूले हैं, ये लोग एंजॉय करेंगे। तुम लोग क्या अकेले ही चले जाते हो पार्क? जी पप्पू, ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही है, हम सारे बच्चे जाते रहते हैं। अम्मा जाए ले अम्मी। हाँ चलो जाओ फिर, ठीक है मजा आएगा, पार्क जाएंगे, झूलों पर बैठेंगे। अच्छा सुनो गुड्डू पप्पू, देखो एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना है, सारा वक्त हाथ पकड़ के रखना, ठीक है ना? अम्मा बेफिक्र हो जाए, मैं पप्पू का हाथ नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे वॉशरूम है तो मैं आज छोड़ सकता हूँ? हाँ फिर तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जल्दी आ जाना वापस। अब क्या 10 मिनट में आ जाए, मगरिब तक आ जाएंगे। हाँ ठीक है, ध्यान से जाओ जाओ जाओ, शाबाश, चलो उठो चलो आलू चलो। गुड्डू भैया इनको वो बताए ना जो दानिश ताबिश सिंह के बारे में कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे तुम किताबी कीड़े हो, और ये भी कह रहे थे किसी दिन किताब बंद कर दूंगा कीड़ा मर जाएगा। दानिश ताबिश, जो तुमने मेरे बारे में गुड्डू पप्पू को कहा था उन्होंने मुझे बता दिया, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। लेकिन बबलू रुको। बबलू गुड्डू पप्पू कितना चला के हमारी गट्टी करा दी, इनको छोड़ेंगे नहीं हम। आलू का चालू ने अच्छा नहीं किया, बबलू हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ आलू का चालू की वजह से तो हमारी घर में वैल्यू ही कम हो गई है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि अब हम वो काम करें जो हमने प्लान किया था। ये क्या है? इसके अंदर जो भी जाते है ना वो डर के कांप जाता है। क्यों, ये है क्या? इसके अंदर जिन के बच्चे हैं। चलो फिर चलते हैं। लेकिन हमारे पास खाली 2 टिकट्स हैं, तुम लोग जाओ। हाँ हम यहीं पे इंतजार करेंगे तुम्हारा, ये लो पप्पू। चलो चले चल। पप्पू 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 पप्पू
मेरे गुड्डू पप्पू कहाँ हैं? वो तो खो गए। अच्छा हैं? खो गए? हाँ, आलू का चालू खो गए, अब वापस नहीं आएंगे। हाय अल्लाह, सलमान तुम सुन रहे हो ना, मेरे आलू का हाय लाहौल विलाकुत, मेरे गुड्डू पप्पू खो गए। नहीं, ये क्या तुम लोगों ने आलू का चालू लगा रखा है? वो रमजान में जो फ्रूट चाट नहीं बनती वो होता आलू का चालू। शट अप, कहाँ खो गए वो और तुमने ढूंढा क्यों नहीं उन्हें? वो तो हॉन्टेड हाउस में थे, हमने बाहर बहुत ढूंढा, नहीं मिले तो आ गए। तो बाहर क्यों ढूंढा, अंदर ढूंढना था ना हॉन्टेड हाउस के। लेकिन हमारे पास तो खाली दो टिकट थी आलू के चालू के लिए। हाय अल्लाह, अब मैं इनके पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? यही जो गर्दन पे लगा है। क्या हुआ, क्यों शोर मचा हुआ है, हो क्या रहा है? पापा रोने वाली हो रही है। प्लीज इनसे कहो ऐसे मत रोए, मुझे तो हंसी आ रही है। हाय हाय, देख रहे हो ना सलमान, इतनी नाजुक सूरत हाल में भी इसके तंज के नश्तर रुक नहीं रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। नताशा, मौका मैं देख के बात क्या करो ना। हाँ। गुड्डू पप्पू खो गए। क्या, कहाँ खो गए, कैसे खो गए? इनके साथ गए थे, अकेला छोड़ा है उन्हें। डैडी वो दो हैं, अकेले थोड़ी। तो तुम लोग छोड़ के क्यों आ गए, वहाँ खुद क्यों नहीं रह गए? हम साथ तो थे, हम थक गए, हम लोगों ने कहा कि घर चलो, वो कह रहे थे हमें थोड़ी देर और रुकना है, फिर हम लोग आ गए। हाँ वो भी आ जाएंगे, हमने रास्ता बता दिया था उनको। हाय हाय, मेरे गुड्डू पप्पू को तो घर का रास्ता मालूम नहीं है, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के हर जगह साथ जाते। आप अपने बच्चों को ना उंगलियों पे नचाती हैं, बच्चे हैं वो, कठपुतली नहीं है। हाय हाय सलमान, देखो तुम कैसी जल्दी कटी बातें कर रही है ये। पप्पू मम्मी बातें कर रही है, हांडी थोड़ी पका रही है। अच्छा दानिश ताबिश, तुम लोग जाओ अपने कमरे, मुंह धो, फ्रेश हो अपने पापा की तरह, जाओ जाओ। ओके मम्मी, चलो ताबिश चलो। आप भी ना जाए ना पार्क में, देखे वही होंगे दोनों। हाँ हाँ, मैं देख कर आता हूँ, पापा परेशान ना हो, मैं वही होंगे, मैं अभी ले आता हूँ। हाय अल्लाह, अब मैं इनके अब्बा को क्या जवाब दूंगी, वो तो कहेंगे कराची गई थी, बच्चे घुमा कर आ गई। ये दानिश ताबिश किधर गए, मुझे क्या पता, चलो ढूंढते हैं उनको। कितना मजा आया, दोनों के दोनों खो गए। हाँ वो तो दोनों भूत बंगले में डर डर के बेहोश हो गए होंगे, और अगर होश भी आया होगा तो हमें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए होंगे। हमने पता भी तो गलत दिया था, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए होंगे। हाँ। मजा आया, मैंने सब सुन लिया, तुम लोगों ने बहुत गलत किए। हाँ तो उनने हमारी नाक में दम कर दिया था। क्या वो मौलवी थे, दम करते थे? दानिश, जब तुम लोग ये प्लान बना रहे थे मैंने तभी सुन लिया था, मैं देख रही थी कि तुम लोग करते क्या हो। तो अब देख लिया ना, हमारा यही प्लान था कि उन लोग को भूत बंगले में छोड़कर आ जाएं और फिर बाहर से भाग आएं और गलत एड्रेस बताएं ताकि वो घर ही ना आ सके और हमारी उनसे जान छूट जाए। बहुत गलत बात है ये। हमारी उनसे जान छूटना? नहीं नहीं, जो तुम लोगों ने हरकत की है वो लोग इस शहर में नहीं है। अगर किसी ने उनको अगवा कर लिया, उनके हाथ पांव तोड़ दिए, उनको सिग्नल पर भीख मंगवा ली, तो अगर इनका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो? ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? ताबिश ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आप ही सही कह रही हैं, गंदे लोग बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उनके हाथ पैर तोड़ के सिग्नल पे भीख मंगवाते हैं, ये मम्मी ने कहा था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर वो लोग खो गए तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। देखो वो लोग जैसे भी है तुम लोग के कजन है, तुम लोग के भाई है, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब हम क्या करें, कैसे मिलेंगे आलू का चालू? अब तो सबसे पहले तुम लोग फूफो के सामने मारोगे कि गलती सिर्फ तुम्हारी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें तो बहुत मार पड़ेगी, मम्मी से अलग और डैडी से अलग। हाँ और हम एक हफ्ते ना टीवी देख सकेंगे ना बाहर जा सकेंगे। और अगर तुम लोग ही उनको ढूंढ के ले आओ तो? आलू का चालू को ढूंढे वो भी हम, हो ही नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मैं मम्मी डैडी को खुद ही बताती हूँ कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है। नहीं आप ही नहीं, अब विश तुम हमारी साइड पे हो या उनकी? गुड्डू पापा भी हमारे भाई है, अगर उनको कुछ हो गया तो? आप ही ठीक कह रही हैं, हमें मम्मी डैडी को बता देना चाहिए। और अगर मार पड़ी तो? अरे वो तो पढ़नी ही है, बेशक मैं बताऊँ या तुम लोग? सही है फिर हम खुद ही बता देते हैं। हाँ हम ढूंढ के भी लाएंगे इन दोनों को। ये हुई ना बात, चलो पप्पू के पास। ताबिश तुम आगे चलो, आप बड़े आप पहले जाएं। अच्छा ताकि पप्पू पहले मुझे ही पकड़ लें। तो मैं आगे जाऊंगा तो मुझे नहीं पकड़ेंगी? उफ, मैं आगे चलती हूँ और तुम लोग मेरे पीछे आओ। पप्पू ये ताबिश तानिश आपसे सॉरी बोलने आए। मैं इन लोगों से बहुत सख्त नाराज हूँ, पता नहीं मेरे गुड्डू पप्पू को कहाँ छोड़कर आ गए। ये तो हमारा प्लान था। क्या क्या प्लान था? हम उनको जानबूझकर छोड़ के आए थे शरारत में। हाय हाय, तुम लोगों की शरारत हो गई, यहाँ हम पे मुसीबत पड़ गई है। और वैसे ही पप्पू, यहाँ पे बच्चे को अगवा करके उसके हाथ पाँव तोड़कर उसे सिग्नल पे भीख मंगवाते हैं।
हाय मैं मर गई। अभी कहाँ, अभी तो आप जिंदा हैं। पप्पू आप फिकर ना करें, हम दोनों हर सिग्नल पे जाके गुड्डू पप्पू को ढूंढ लेंगे, उनको भीख भी देंगे और उनको घर भी लेके आ जाएंगे। कुछ कान में चला गया? नहीं, मेरे गुड्डू पप्पू भीख नहीं मांगेंगे। तो हम कब कह रहे मांगेंगे जी, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाए। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो हलाए चले जा रहे हो। नहीं, अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ अपने बच्चों को। वो आप बस दुआ करें कि उन्हें कुछ ना हुआ। जिस तरह की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, मुझे तो लगता है मेरे गुड्डू पप्पू को कुछ हो गया होगा। पप्पू आप फिक्र मत करें, डैडी उनको ढूंढ लेंगे ना। और अगर डैडी खुद खो गए तो? अरे बुद्धू वो कैसे खोएंगे, उनको तो घर का रास्ता आता है ना। तुम दोनों जाओ, जाओ मेरे गुड्डू पप्पू को ढूंढ के लाओ। सब तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने की है ये शरारतें। जी पप्पू हमें मालूम है, हम अभी मम्मी से पूछ के गुड्डू पप्पू को ढूंढने चलते हैं। बबलू तुम? हाँ तो मैं ही बबलू, और कोई भी है क्या? नहीं मुझे लगा गुड्डू पप्पू आ गए। गुड्डू पप्पू तो आए मैंने फैसलाबाद से। नहीं वो गुड्डू पप्पू खो गए। क्या गुड्डू पप्पू खो गए, कहीं रख कर भूल गए क्या? वो कोई खिलौना नहीं है जो रख कर भूल गए होंगे। तो कैसे खो गए, उन्हें घर से निकाल दिया? नहीं दानिश ताबिश लेके गए थे उन्हें पार्क, वहीं पर छोड़ा है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरी और दानिश ताबिश की लड़ाई करवाई थी उन्होंने। अरे वो तो मजाक में करवाई थी ना, वैसे तो वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बाकी ऑर्गन्स का नहीं मुझे पता। दानिश ताबिश का है, मुझे उनसे सॉरी कहना है। तुम क्यों सॉरी कहोगे, तुमने थोड़ी ना खोया है। अरे मैं उनसे नाराज होकर चला गया था इसलिए। लेकिन दानिश ताबिश तो बाहर चले गए। कौन से मुल्क, कहाँ का वीजा लगा? बाहर मतलब गुड्डू पापा को ढूंढने गए हैं। अच्छा मैं बाद में आता हूँ, मेरी तरफ से सॉरी कर देना उन्हें। पता नहीं दानिश ताबिश को गुड्डू पप्पू मिलेंगे या नहीं। ऐसा करो तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। हाँ मिले तो बताना। सही गुड्डू पप्पू क्यों नहीं मिले सलमान? मैंने तो सारा मोहल्ला छान लिया। मोहल्ला या आटा, ये बड़ी पटाखा है। हाय सलमान अब क्या होगा, मेरे बच्चे मिलेंगे भी कि नहीं, गुड्डू पप्पू कहाँ है? पप्पू हमने बहुत ढूंढा लेकिन शायद वही बात हो गई जो हमने कही थी। हाय मैं मर गई, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, क्या कहा इन्होंने, क्या हुआ दानिश ताबिश? डैडी हमने कहा था कि यहाँ पे बच्चे अगवा हो जाते और उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं और आंखें भी फोड़ देते हैं और उनको सिग्नल में बिठा के भीख मंगवाते हैं। अरे क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम दोनों। ठीक ही तो कह रहे हैं ये तीनों, ऐसा ही हुआ होगा, वो दोनों अगवा हो गए शायद। आए, सलमान तुम देख रहे हो अपनी फैमिली को कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बच्चों के बारे में। आए, मेरे बच्चे ढूंढ के ला दो। डैडी हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। किस नाम से? बुरे नाम से, क्योंकि उनको कोई अच्छे नाम से बुलाता ही नहीं है। सलमान बच्चे सही कह रहे हैं, हमें ना पुलिस में खबर करनी चाहिए। अरे लेकिन आपा पुलिस वालों का घर तो हमारी मदद से चलता है। क्यों वो हमें पैसे देते हैं? नहीं हम इनको रुपये देते हैं। ताबिश दानिश अबरिश तुम तीनों जाओ पूरे मोहल्ले में जाके ढूंढो, किसी ना किसी ने जरूर देखा होगा उन्हें। एक दुकानदार ने देखा था गली के उस तरफ जाते हुए। अरे तो इस तरफ क्यों नहीं आए कमबख्त? क्योंकि हम इस तरफ चले गए थे ना। किस तरफ? जिस तरफ वो लोग नहीं थे। तो वहाँ क्यों नहीं गए जहाँ गुड्डू पप्पू गए थे? हम लोग वहाँ जानबूझ के नहीं गए ताकि वो कहीं मिल ना जाएं। दानिश ताबिश तुम दोनों जो है ना दो दिन के लिए ग्राउंडेड हो। सोच नहीं कहीं बेजा पाबंदी तो नहीं लगा रहे, ख्वाब याद है ना। अच्छा ठीक है नहीं हो ग्राउंडेड। अरे क्या मेरे बच्चे ग्राउंड में हैं? नहीं आपा अभी हम देख लेते हैं ना। भाई तुम सब जाओ पूरा मोहल्ला ढूंढो, अगली गली में पिछली गली में हर जगह जाके पता करो, जाओ।
कितनी देर है? बस थोड़ा और है, बस चलो चलो। दानिश अभी देखो मैं किसे लाया। बबलू, तुम्हें गुड्डू बब्बू कहाँ से मिले? चार गली छोड़ के मेयर रोड के पास। लेकिन क्यों मिले? मेरी नजर पड़ गई इसलिए। तुम अपनी नजरें हटा नहीं सकते थे। दानिश बस कर दो अब, तुम्हारे भाई हैं गुड्डू बब्बू। बहुत कड़वी दवाई है। लेकिन हम तो मीठी दवाई है। तुम लोग मीठी दवाई नहीं, मीठी छुरी हो। तुमने क्या चाट के देखा छुरी को? कैसे चाटूंगा, मेरी जबान कट के गिर नहीं जाएगी। अरे गुड्डू बब्बू, ये कहाँ से आ गए? लगता है इनके मिलने का बहुत सदमा, मेरा मतलब इनके खो जाने का सदमा पहुंचा है आपको। डैडी, आपको पता है बबलू ने गुड्डू बब्बू को ढूंढा। अच्छा, वाह वाह वाह, चलो 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 गले मिलो। किससे? बबलू से? अरे नहीं, दानिश दानिश से गले मिलो। आपस में नहीं मिलना है, गुड्डू बब्बू से मिलो। हाँ हाँ मिल लो, हम कल ही आए। तुम क्या पहली दफा आए हो? अरे नहीं नहीं, हम तो जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। चलो दानिश साहब, अपने भाइयों से गले मिलो। शाबाश शाबाश, चलो सॉरी करो। तो फिर गले क्यों मिलवाया था? तुम दोनों की वजह से ये दोनों गुम हुए थे ना, चलो सॉरी करो। आलू को चालू गुड्डू बापू सॉरी। देखो मेरे बच्चों का दिल कितना बड़ा है, सॉरी कह रहे हैं। हाय मेरे बच्चे मिल गए हो, वाह सच के मैंने तुझे कितना मिस किया मेरे बच्चे। अब हम ना पापा को अच्छी सी तस्वीर खींच के भेजेंगे, ठीक है ना? वाह सच के, आ जाओ आ जाओ। अरे मेरा मुन्ना कितना प्यारा है, वाह सच के। नहीं से भावच, बुरा मत मानना तुम, सॉरी कहने वाला बड़ा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। चलो मेरे पुत्र दोनों शाबाश, भाइयों को बोल दो हमने तुम्हें माफ किया, बोल। हमने तुम्हें माफ किया। आंटी हर काम एक साथ क्यों करते हैं? हाय मेरे बच्चे में प्यार ही बहुत है, सारे काम साथ करते हाथ पकड़ पकड़ के। अम्मा जैसा आपने बोला था ना, मैंने गुड्डू का हाथ नहीं छोड़ा, मजबूती से थामे रखा। मेरा बच्चा मेरा पुत्र, माँ सच के जाए तुझ पर। देखा ऐसे होते हैं भाई, ऐसा होता है प्यार। तुम लोगों की तरह थोड़ी जाकर खुले मैदान में छोड़कर आ गए मेरे बच्चों को सिर्फ जान छुड़ाने की खातिर। इस वाक्य को आप ब्रेकिंग न्यूज बनाकर शाया क्यों नहीं कर देती? बस कर दे, कितनी चटनी पीसेंगी। हाँ है सलमान, तू देख रहा है तेरी बीवी कह रही है मैं चटनी पीस रही हूँ। वैसे आप पुदीने की चटनी तो कमाल पीसती है। हाँ हाय हाँ हाँ, तू मेरी सारी बातों को मजाक में उड़ा दे। नहीं नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, सच कह रहा हूँ मैं, कमाल की चटनी बनाती है आप। किस कमाल की? अच्छा गुड्डू बाबू मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। रुको, हमें तुमसे सॉरी करना है, हमने दानिश साबिर से तुम्हारी जानबूझकर लड़ाई करवाई थी। कोई बात नहीं, मैंने उस बात का पता ले लिया, तुम्हें बिला वाले गलियों में घुमा घुमा के थकाया, हालांकि तुम इससे अगली गली में ही तो खड़े थे। बाय। सलमान मैंने समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे बच्चे पैदा कर दिए हमने भाई। आपा आजकल के यही बच्चे हैं, कल को यही मुल्क चलाएंगे। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा? हाय मेरा बच्चा। अच्छा एक सवाल करता हूँ, एक कबूतरी है तार पे बैठी हुई है, उसने अंडा दिया लेकिन वो नीचे नहीं गिरा, वो कहाँ गया? क्यों नहीं गिरा? क्योंकि कबूतरी ने चड्डी पहनी थी। अच्छा गुड्डू पप्पू कोई अच्छी सी पॉइंट सुना ना उर्दू में। तुम लोग तो सुनाते नहीं हो, बस हम दोनों से सुनते रहते हो। अरे हमें इंग्लिश में आती है, हम सुनाएंगे तुम लोग को समझ नहीं आएगी। अच्छा रुको मैं सुनाता हूँ। इंग्लिश में? नहीं उर्दू में। ये जो सुनाएगा ना उसमें भी हमारा मजाक उड़ाएगा, तुम देख लेना। अरे उसको सुनाने तो दो, चलो सुनाओ गुड्डू। सुना दो। दिल में मेरे बात आई, हम सारे हैं भाई भाई, मिल मिल कर रहते हैं एक दूसरे पे मरते हैं, छोड़ो गुस्सा छोड़ो लड़ाई, हम सारे हैं भाई भाई। अरे वाह इतनी अच्छी पॉइंट सुनाई है तुम लोगों ने हमारे बारे में। हाँ गुड भैया ने आपको भी भाई बना दिया अपने साथ। मैं एक बात बताऊँ, मुझे कोई पोयम नहीं आती, मैं तो खुद ही बना के सुनाता हूँ, और ये वाली जो मैंने अभी सुनाई ना वो खास ताबिश और दानिश के लिए थी। तुमने वाकई हमारे लिए पोयम लिखी है, थैंक यू। ये बड़ा होके गरीब बनेगा। कैसे? शायद गरीब होते ना इसलिए। तुम लोग वाकई जा रहे हो? हाँ अम्मा ने तो यही बताया। यार तुम लोग क्यों जा रहे हो, हम लोग साथ में खेलते इतना मजा आता। अम्मा रुकेंगे नहीं अब। बात तो सुनो ना मेरी। मेरी मुझसे बात मत करो, बस बच्चे कहाँ है मेरे गुड्डू पप्पू। पापा क्या हो गया? मेरी बात तो सुने ना आप, ऐसे अचानक खड़ी होगी जाने के लिए? भाई देखो सलमान
बात यह है कि मैं जो हूँ ना जिंदगी में अचानक ही पैदा हो गई थी और फिर अचानक ही बड़ी हो गई और फिर अचानक मेरी शादी होगी, फिर अचानक मैंने डिसाइड किया मुझे कराची आना है और अब अचानक मैंने सोच लिया वापस जा रही हूँ मैं फैसलाबाद और अब मैं जा रही हूँ। तो अचानक बैठ जाए ना। अरे मेरा मतलब है अंदर चल के बैठे बात करते हैं ना। भैया मुझे रोकने की कोशिश मत करो, ये जो तुम्हारी बीवी है ना इसके साथ एक मिनट का गुजारा नहीं है मेरा। ये बात तो मैं भी सोचता हूँ। मेरे बारे में? नहीं नहीं अपने बारे में। जाने दे इन फैसलाबाद वालों को, ईद की खुशियां तो उन्होंने मना ली, अब ये जाएंगे तो उदास हो जाएंगे ना हम। अरे देख रहे हो कैसी बेइज्जती करती है ये मेरी। नताशा नताशा क्या कर रही हो तुम? आपा इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग दूं, उसने जो कहा बस मैं माफी मांग रहा हूँ ये देखिए। अरे नहीं नहीं भैया माफी मत मांगो, हमारा दिल तो साफ है। क्यों नताशा बताओ ना। हाँ हाँ हम तो मजाक कर रहे थे, हमारी तो दोस्ती हो चुकी है कब से है ना। हाँ। क्या मतलब वो नोक झोंक? अरे नोक झोंक तो चलती रहती है भैया, वो तो मैं व्हाट्सएप पे भी से ऐसे ही बात करती हूँ। हाँ मगर हाय हाय शक्ल पे तो देखो कैसे 12 बज रहे, लग रहा है कि छापे में पकड़ा गया है। नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये समझ लो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ हमें भी यहाँ से जाने की बड़ी खुशी है, कम से कम तू तू मैं तो बंद होगी। कहाँ है मेरे बच्चे? गुड्डू पप्पू जल्दी आओ बेटा, मामू को खुदाफिज करो, जाए हम। आजो आजो आ गए आ गए। मामानी आप हमसे नाराज हैं? हाय नहीं मेरा बच्चा बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम इनके बेटे ना होते तो मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। आपको हमारी अम्मा अच्छी नहीं लगती? नहीं ये जिनको अच्छी लगती है उन्हीं को अच्छी लगती है। बस देख रहे हो ना भैया कैसा सियासी बयान दे रही है ये, कम से कम जाते जाते तो लोगों को खुशी से रुखसत करना चाहिए ना। पप्पू आपका दूल्हा कहाँ है? वो तो सऊदी अरबिया में। अच्छा बच्चो चलो चलो भैया देर हो रही है। अच्छा भाई चलो 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 देर हो रही है। बात तो सुने ना मेरी, आपा इतनी जल्दी किस बात की है आपको? पप्पू सॉरी हमने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया और तुम लोग को आलू बचालू का। हाँ मैंने तुम लोगों को रिमोट का और पप्पू को तुम्हारे रिमोट उसके लिए भी सॉरी। गुड्डू पप्पू इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती, अब तुम लोग भी मत उड़ाना। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम लोगों ने हमें डराया था। ए, ये किसने किसको डराया? इधर बाहर आओ सारे। मामू जब हम लोग भूत बनने गए थे ना ये लोग ना मास्क पहन कर ना हम लोगों को डरा रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि तुम लोगों के मुंह से अचानक आलू कचालू निकल गया था, अब समझ में आया मजा आया। अब देखा मेरे आलू कचालू मतलब मेरे गुड्डू पप्पू कितने होशियार है। दानिश ताबिश तुम लोगों की पूरे एक हफ्ते की सजा शुरू। नहीं डैडी प्लीज एक हफ्ता बहुत होता है। अरे बात तो सुनो मेरी, तुम दोनों गुड्डू और पप्पू को एक हफ्ते के लिए रोको और सब मिलके खूब मजे करो, हल्ला गुल्ला करो। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। अरे आपा सिर्फ एक हफ्ते की बात है, अभी मेरा दिल नहीं भरा ना प्लीज। अब इतने प्यार से मेरा भैया कह रहे हैं चलो छोड़ो मैं रुक ही जाती हूँ। क्या मुझे बताइए मेरा झूठी मूठी गले लगाना भी काम नहीं आया। कौन सा दिल से गले लगाया था, वो तो भाई की वजह से चिपक गई थी। हाँ तो अभी कब तक मजे चिपक रहूंगी मैं यही रहूंगी। मेरा भी घर है, भाई का घर भाई का घर भाई